21 अप्रैल 1524 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगलिया सुल्तनत की बुनियाद रखी थी। बाबर ने महज 12 साल की उम्र में परवाना घाटी का हुक्मरान बन गए थे, लेकिन उस वक्त वह अपने तख्त को बरकरार नहीं रख सके और जल्द ही उनके चाचाओं ने मौके का फायदा उठाकर उन्हें गद्दी से हटा दिया। इसके बाद वह 2 साल तक इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान उनके साथ अपने कुछ वफादार सिपाही भी मौजूद थे। बाबर ने समरकंद पर हमला किया और उसे जीत भी लिया, लेकिन उसी वक्त उनके एक सिपहसालार ने परगाना पर कब्जा कर लिया। जब बाबर परगाना पर कब्जा करने वापस जा रहे थे तो उनके सिपाहियों ने समरकंद में ही उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद समरकंद और परगाना दोनों ही बाबर के हाथों से चले गए। बाबर की ख्वाहिश समरकंद थी, जिसे उसने कई बार जीता और गंवा दिया।